close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. ये देखिए दोस्तों, पूरा पानी सूख चुका है। बल्टियाना यहाँ से 9 किलोमीटर है। हाँ जी, कैसा रहा आपका सफ़र? हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मामा को कोको सिराई। और जैसे हम रास्ते में बता रहे थे आपको कि काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, और क्योंकि आज फर्स्ट कर्फ्यू था लॉकडाउन के दौरान जो 2021 का है, तो इस वजह से गाड़ियां सब बंद थी, पूरा मार्केट बंद था। तो इसीलिए हमने क्या किया कि मसूरी से सुबह खोली, सुरगंडा तक हमने लिफ्ट ली, उसके बाद वहाँ हम पैदल आए, उसके बाद हमें बस मिली और उस बस वाले ने हमसे 50-50-50-150 रुपये लिए। और उसके बाद हम वहाँ से थोड़े से चले, फिर हमें एक ट्रक वाला मिला चंबा में, और फिर उसने हमें छोड़ दिया कोटे कॉलोनी। और फिर कोटे कॉलोनी से हम थोड़ा सा चले, फिर एक गाड़ी वाला मिला जो रोक नहीं रहा था, पर हम उसे रोका और उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए, बस से पहुँचे। हेलो, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त आरजे रोशनी, और आज हम जा रहे हैं डोबरा चांठी पुल, और इस वक्त हम हैं ओप्पो सिराई में। तो डोबरा चांठी पुल कैसा बन गया है काफ़ी टाइम बाद, ये आपको मैं दिखाऊंगी। और 2021 में हम जा रहे हैं जबकि लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन स्थिति देख करके लग रहा है कि स्थितियां एक बार फिर से ख़राब हो रही हैं। आजकल पानी बहुत कम हो रखा है क्योंकि बारिश नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, और धूप अच्छी खासी आ रही है। कल बारिश यहाँ पर हुई थी, और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है, जबकि नीचे पानी है लेकिन बहुत कम है, और रेत इसमें ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डोबरा चांठी पुल हम जा रहे हैं, और वो सामने डोबरा चांठी पुल सस्पेंशनल ब्रिज हमें दिख रहा है। और यहाँ से जैसे कि इस पर आप देख सकते हैं, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से डोबरा चांठी पुल। कि वहाँ पर एक शूट भी हो रहा है, तो अगर शूटिंग अभी भी चल रही होगी तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइस, डोबरा चांठी पुल में इस वक्त हम हैं, और मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है डोबरा चांठी पुल पूरा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये डोबरा चांठी पुल है, और यहाँ आगे पानी है काफ़ी, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं।
डोबरा चांठी पुल के ठीक नीचे इस वक्त हम हैं, झील के जस्ट पास, और काफ़ी पैदल चलना पड़ रहा है हमें नीचे तक जाने के लिए। ये देखिए कैसा रास्ता है यहाँ पर, बहुत ही कच्चा, और वो नीचे मेरी बहन है दोनों, जो मुझे ज़बरदस्ती नीचे ले जा रही है, और ये जो मिट्टी है ये नीचे धस भी रही है जब हम इसमें चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोचा है, ठाना है कि जाना है नीचे तक। तब देखते हैं भाई, वो तो पहुंच चुके हैं, मैं पीछे रह गई हूँ, और क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो अब मुझे भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ वाले नीचे पहुंच गए हैं। उन्हें लगा था यहाँ से पानी उनको बड़ा पास दिखने वाला है, लेकिन वहाँ से देखिए वहाँ से भी पानी काफ़ी नीचे है। सो उतने नीचे पहुँच के भी मुझे नहीं लगता उनके कुछ खास हाथ लगने वाला है, पर देखते हैं वहीं जा कर के। ऊपर आते हुए मुझे लगता है बहुत आफत आने वाली है, ये देखिए ऐसे रास्तों पे ऊपर भी आना है। हेलो गाइस, सो फाइनली इस वक्त हम हैं डोबरा चांठी पुल में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त 9 बज चुके हैं लगभग, और लाइट्स यहाँ की ऑन हो चुकी है, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। तो डोबरा चांठी पुल, जो कि सस्पेंशनल ब्रिज कहा जाता है, तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसा ये बना है, काफ़ी नया बना है। मनुष्यों के साथ साथ ये बंदर भी आए हैं डोबरा चांठी पुल घूमने। हर एक वहां चढ़ाए, ये बहुत करीब से देखना चाहते हैं।